नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। लोहरदगा में युवक की गला रेतकर हत्या। विवाद के बाद पत्नी, बच्चों और ननद संग चली गई थी पड़ोस में सोने। नई शिक्षा नीति पर बोली केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। राज्यों के कोर्सेज की स्टडी कर रही एक्सपर्ट की टीम। बोकारो में पेड़ से लटकी मिली शख्स की लाश। कल सुबह 8 बजे निकला था घर से। गुमला में एसीबी के हत्थे चढ़ा घुसखोर असिस्टेंट इंजीनियर। कूप निर्माण का बकाया राशि के लिए ले रहा था 30,000 घूस। चतरा पुलिस ने 11 लाख के डोडा के साथ दो तस्करों को दबोचा। ट्रक में भरकर ले जा रहे थे राजस्थान। झारखंड में पहली बार तसर साड़ियों का उत्पादन शुरू। बुनकरों को रोजगार और साड़ियों को मिलेगा बाजार। घाटशिला में मां मनसा की पूजा के दौरान सांप ने डसा। कर्तव्य दिखाने के दौरान घटी घटना। आर के आनंद ने झारखंड हाई कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका। 34वां राष्ट्रीय खेल में घोटाले का है आरोप। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। 9 मोबाइल, 19 सिम, 5 एटीएम कार्ड, 3 बाइक समेत कई सामान बरामद। पलामू में एडमिट कार्ड में गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग कंपनी एनसीसीएफ का फूका पुतला। चाईबासा में सड़क हादसे में महिला की मौत। चलती बाइक में भैंसों के झुंड ने मारा था धक्का। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर सभी आरोपों से बरी। 7.5 साल बाद मिली राहत। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन को दी मंजूरी। आयात पर निर्भरता कम करना है लक्ष्य। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर बस पलटी। 2 की मौत, 31 घायल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हो सकते हैं गिरफ्तार। हेलीकॉप्टर में पैसा लेकर भागने का आरोप। उत्तर प्रदेश में मोबाइल चोरों के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा। सरगना समेत 9 धराए। सैकड़ों फोन नेपाल बांग्लादेश भेजने की आशंका। महिला एंकर खदीजा अमीन को हटाया। बल्ख की गवर्नर सलीमा मजारी को बनाया बंधक। यूपी में 1 सितंबर से खुलेंगे क्लास 1 से 5 तक के स्कूल। गाइडलाइन जारी। बेगूसराय में नाव दुर्घटना में डूबी मां बेटी। बाढ़ के कारण घर छोड़कर जा रही थी सुरक्षित स्थान। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जलालाबाद में फायरिंग। 2 की मौत। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।